भाई हो क्या रहा है यार तुझे? क्या हो रहा है पागल बन कर रहा है? तुझे हो क्या रहा है? इसको क्यों मारा बता? हो क्या रहा यार निकल ले जा यार। अरे निकल सुन ना भाई यार, तू यहाँ मत आ ठीक है? कैसे मत कर यार, दो दिन जो मैं कर रहा हूँ कर ले। हो गया ना गुस्सा क्या भाई? तू काम ही ऐसा किया ठीक है? तुम लोग की वजह से मैं हॉस्पिटल में पहुंचा। एक बार भी कॉल किया, एक बार भी मैसेज किया, तूने बोला, तेरे वजह से मैं गया था हॉस्पिटल ठीक है? एक बार भी कॉल किया कि भाई क्या हो गया ठीक है? भाई तू भी तो ऐसे गुस्सा करेगा तो उसे मार देगा क्या? क्यों ऐसा बोला? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? इसने तेरे वजह से इसने मेरे पे हाथ उठाया। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। सो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हो कि निखिल और मेरा लड़ाई हो चुका है एक प्रैंक के जरिए। भाई उसको एक प्रैंक भी समझ नहीं आया, उसको क्या माइंड में घूम रहा है, क्या हो रहा है उसको पता नहीं। सो गाइस क्या ही बताऊं आप सभी को, अभी तक वो झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ है एंड निखिल का सामना मैं आज करने वाला हूं। और एक बार निखिल तो मेरे को ऐसे कॉल करके नहीं बुलाया है, शिवा कॉल करके बुलाया है। आज थोड़ा बहुत देख लेंगे यार, आज अच्छे से बात करेंगे निखिल से, वैसा बोल दिया है तो ठीक है, तेरे लिए आ रहा हूँ मैं, बोल दिया तो अभी जा रहा हूँ जगदलपुर की ओर। वो तो निकल गया है, शिवा मेरे को टका था तो अभी उन लोग चले जा चुके हैं तरुण के साथ। तरुण भी मेरे को इतना बोल के है कि भाई ऐसा क्यों किया, उसको मारा क्यों, वैसा क्यों। भाई वो मेरे साथ था फिर भी ना वो दल बदल कर दिया, अभी वो निखिल के साइड है अभी। एंड अभी तरुण भी बुलाया है कि वो बदला लूंगा बोल के, निखिल का बदला लूंगा मैं तेरे से, ऐसा है वैसा है बोल रहा था। छोड़ो देखेंगे अब यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तरुण भी मारेगा, तरुण को भी देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहना एंड गलती किसका है कॉमेंट में जरूर बताना दोस्तों। कोई कोई गलत कमेंट बता रहे हो भी भाई कि निखिल सही है, कि फिर मेरे को बोल रहे हैं कोई भाई नागेश भाई सही है। भाई एक तरफ से देखा जाए तो मैं ही सही हूँ और निखिल गलत है, क्योंकि भाई एक प्रैंक उसको समझ नहीं आ रहा है तो बताओ उसमें मेरा गलती थोड़ी है। वो निखिल भी खुशी के साथ प्रैंक करता है, उसे रुलाता है, लेकिन खुशी तो कुछ नहीं बोलती ना, एक प्रैंक है बोलकर चुपचाप रह देती है, लेकिन भाई निखिल का कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है आजकल समझे। सो चलिए दोस्तों वहाँ पर। One hour later. अरे निखिल सुन ना भाई यार, तू यहाँ मत आ ठीक है? कैसे मत कर यार, दो दिन जो मैं कर रहा हूँ कर ले। हो गया ना गुस्सा क्या भाई? तू काम ही ऐसा किया ठीक है? एक बार भी आया तू मिलने आया, एक बार भी हॉस्पिटल गया तेरे वजह से ठीक है? अब तू यहाँ पे टच मत कर मेरा गाड़ी को और मेरे को ठीक है? हर चार हो गया ना भाई, मत कर उनको आने दे, उसका जो भी मैटर सॉल्व करेगा वो उससे बात कर। यार दो दिन हो गया यार बात नहीं कर रहा है, यहाँ से हट भाई, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी ये वो, मेरे तुम लोग साथ ना मेरा कुछ रिश्ता नहीं है और रखना भी नहीं है ठीक है? तुम लोग जाओ प्लीज जाओ भाई, मत बोलना कुछ, मत बोलना मेरे को नहीं समझना ठीक है? तुम लोग जाओ, तुम्हारा रीजन क्या है हमसे बात नहीं करनी, बताओ क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ इसके साथ, झगड़ा हो रहा है कल इसने मेरे को मारा, उससे पहले भी गुस्सा था उसका, हां उसके पहले वाला सीन बता, इसका मारा मेरे बाद में, तू छोड़ो यार कल ही बढ़ गया तुम लोग का बात। नहीं उससे पहले पड़ा हुआ था, पहले वाला जब लड़ाई हुआ उस बात को लेकर फिर से कर रहे, मतलब तू हमेशा से चाहता था कि हम ये दोस्ती तोड़े, क्या तोड़े? मैं नहीं चाहता था ये सब तो ठीक है भाई, सबसे पहले धक्का दिया यार, मैं बोल रहा हूँ तू तेरा क्या चल रहा है बता। सुन 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 ना वही चीज पूछना था, सुन 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 यही चीज तू बोलने वाला ठीक है? यही चीज वही तो वही चीज बताओगे क्या, क्या बताओगे क्या बताए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो, मेरे को पता है, समझ दोगे मेरे को पता है, तुम लोग जाओ यार मत यार, ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा पागल हो गया, ऐसे फिट फिट जाएगा, दिमाग खराब कर करके बता रहा हूँ सच्ची में, एक तो समझ नहीं आ रहा उसको यार, टक समझ आ रहा हूँ कब से, कल से हो गया, नागेश से झगड़ रहा है सबसे, झगड़ क्या हो रहा है, सुन क्या पागल, तुम लोग की वजह से मैं हॉस्पिटल में पहुंचा। एक बार भी कॉल किया, एक बार भी मैसेज किया, तूने बोला, तेरे वजह से मैं गया था हॉस्पिटल ठीक है? एक बार भी कॉल किया कि भाई क्या हो गया ठीक है? भाई तू भी तो ऐसे गुस्सा गुस्सा करेगा तो मार देगा क्या? तू मत कर तू टच मत कर ठीक है? अच्छा ठीक है ना, जो क्या स्टोरी सुन सुन, अभी कर रही है, अभी क्यों कर रही है यार? उठाया नहीं तो तुमने, मैंने एक बार भी नहीं बोला, तरुण ने मेरे को सुना ले गया, तू ये सब छोड़, तू नागेश का झगड़ा छोड़, तू अब मेरा और खुशी के बारे में क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तू, तुम लोग कहां है भाई, चल रहा है क्या, चल रहा है कल क्या, कल इसने मेरे को मारा ठीक है? ठीक है ना मारा इसने, लेकिन इसने एक बार भी मेरे को आके ये नहीं बोला कि भाई कुछ हुआ तो नहीं, मैं क्यों बोलूं, तू झगड़ रहा है, तू हट, मैं तेरे को उंगली मत दिखा ठीक है?
बहुत सबसे पहले तो ये लड़की है, लड़की से अच्छे से बात, ये क्या होता है, ये ऐसा करेगी तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? तू मेरे से बात कर क्या? चल मेरे को इतना बार मारा है, तुमको याद है? दिखाई तुम इस चीज के लिए बोल रहे हो, तुम धक्का दिया है निखिल सर, तुम लोग यहाँ लड़ाई करने के लिए क्यों आए हो यार? तू मेरे को एक क्लियर कर, तू मेरे को एक क्लियर कर, तू काहे के लिए मेरा और खुशी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो भाई? और इन दोनों क्या है सबूत? क्या तेरे पास दोस्त सबूत? क्या है सबूत? क्या पूरा साफ साफ दिख चुका मेरे को, तो अरुण ने भी बताया, अरुण को भी छोड़ूंगा, अरुण को आने दे, मैं भी बता रहा हूं मेरे पास भी कुछ भी कर सुबह अरुण को क्या बोलोगे? सबसे पहले मेरे को बोलो, तरुण को बोलोगे मैं इतना मारूंगा, तरुण को कुछ बोला ना? क्या बोला पता है? सुबह मेरे घर आया था और उल्टा सीधा बात कर रहा है, कभी इधर होता है कभी इधर उधर होता है, पूरा एक नंबर का वो है यार, बता रहा हूँ शंकु नहीं है, बता तुम लोग उसके बारे में इतना बुरा मत बोलो, ठीक है? बुरा नहीं बोल रहे, जो है वो सच बोल रहे, दिमाग खराब होगा फिर जाएगा, होता है क्यों है मैं बताऊं, मैं रीजन बताऊं, क्योंकि कल ना एक बार बीच में मेरे को आया नहीं कि मतलब बोला भी नहीं, मैं पूछूं यार, मैं तेरे क्यों पूछूं भाई? देख ये क्या बोल कर रहा है, सुन ले, कल गुस्से में तो कल से तुम्हारी मतलब एक बार भी बोल नहीं सकता, क्या हुआ तू ना कर रहा है भाई, मेरा गलती है, ठीक है तुम लोग जाओ, मेरा ही गलती है, मैं ही गलत हूँ यार, इन लोग तो प्रैंक किए थे, तू कहे के लिए बीच में पढ़ाई से मार पीट कर दुनिया भर कर भाई, तेरी गलती, तेरे को लगा नहीं समझ पाया भाई, तू तेरे को लग रहा है भाई, ये छोड़ तू, नहीं ये तो सुन, ये तो सुन, मैं एक बात बता रहा हूं, प्रैंक ही है उसका मेन जॉब, ठीक है ना, कुछ बात और नहीं है, प्रैंक ही है मेन जॉब, उसी साथ भी एक प्रैंक किया था तू, क्या प्रैंक, ये भूल गई ना, हो गया ना भाई, भाई भूल गया, गुस्सा आया मेरे को, गुस्सा आया मेरे को, ये सब पसंद नहीं, गुस्सा आ सकता, मैं बल्कि लड़की हूँ, तुम बल्कि लड़के हो, सुन सुन ये सब क्लियर करो, नागेश का जो भी है ठीक है, तू मेरे और खुशी के बारे में क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है, बता तुम लोग का चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, काहे के लिए बोल रहा है ऐसा, तुम लोग का चल रहा है भाई, कौन बताया, बता रहा है मेरे को, सब लिख रहा है, ये सुबह सुबह देखो कैसे हो, क्या हो, कब मिल रहा है, क्या कर क्या है, पागल पागल हो गया, पीटी मिल जाएगा, दिमाग काम मत कर, हो गया भाई, तो तुम लोग का क्या चल रहा है, इतना जी सुबह सुबह इसने कॉल किया था, बोलने देगा मुझे, बोल बोल क्या बोल रही है, देखो सबसे पहले तो जब मैंने तुमको बोला था स्पेशल पर्सन कौन है, ये सारी चीजें, तो मेरा स्पेशल पर्सन ये है, और तुम ये समझ रहे हो ना, ये तो हमारा बॉयफ्रेंड है, होगा ना भाई, तू स्पेशल भी है, सुन सुन सुन, तेरा दोस्त नागेश भी, ऐसे भी नागेश को भी समझ लेगा कैसा है, मेरे सारे दोस्त भाई दिख जाता है भाई, तरुण भी तो इसके साथ क्लोज रहता है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तुमको शायद अभी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, ये तरुण को पता है, इसको पता है, साथ मुझे लगा तुमको भी पता है, लेकिन तुमको नहीं पता, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो, सफाई मत दे, ठीक है, सफाई को नहीं सुनना तुम लोग का बात, खुद सुन लो इनसे, क्या सुनना, इससे मुंह मत बोलेगा क्या, तेरे को बोलेगा कि मैं इससे बड़ा हूं, बोल के ज्यादा मत देख, निकल तेरा गलत फहमी है, बहुत गलत फहमी में जी रहा है, बता रू चुप रहे भाई, देख भाई के ऊपर शक कर रहा है यार, देख ऐसा ऐसा आदमी है, आजकल ना भाई भाई को धोखा देता है, भाई भाई को मार रहा है, ठीक है, बहुत गलत फहमी में जी रहा है, निकल बता मेरे को किसी पे भरोसा नहीं, ठीक है, सब मेरे को किसी पे भरोसा, छोड़ो यार, अकेले रहने दो, सबका साथ छोड़ देने दो, अच्छा है भाई रहने दे, सब अपना अपना काम करो, ठीक है, नहीं रहना मात्र है, जो समझ है समझ ले, उनको क्या कर रहे हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, अबे अबे मत कर यार, हो गया यार, नहीं मैं सॉरी बोला हूं, तू आज क्यों उठा है भाई, क्या हो रहे हो यार तुम लोग भाई, तेरे पे आंसू क्या है भाई, हो क्या रहा है यार तुझे, क्या हो रहा है, पागल बन कर रहा है, बता रुक जा, तुझे हो क्या रहा है, इसको क्यों मारा, बता, हो गया ना भाई, मैं ले जा यार, मारने का, अबे जाना यार, तू दिमाग खराब कर रहा है, हरने के लिए यार, देख यार दो दिन बात नहीं किया मेरे को, ठीक है, उसके लिए सॉरी, मेरा एक प्रैंक लिया यार, तू भी इतना, ठीक है यार समझ रहा हूँ, रियलाइज हो गया भाई, लेकिन बुरा लग रहा है यार, भैया उसके साइड हो गए, उसने मेरे को थप्पड़ मारा उसके लिए भाई, उसके लिए तो भाई मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा भाई, अरे हो गया लड़की के चक्कर में उसने मेरे को थप्पड़ मारा भाई, भाई समझ रहा हूँ तेरा अलग हो गया, ठीक है, तू प्रैंक किया उसके लिए गुस्सा हुआ, मेरे को भी सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी दिल से, अब हम क्या यार ये बात नहीं करेंगे, ये सब झगड़ा लड़ाई छोड़ो, झगड़ा लड़ाई छोड़ दे यार, अब चल कोई ना, सॉरी, ठीक है, ठीक है ना, आज के बाद मत लड़ियो, नहीं नहीं अगर लड़ लिया ना तेरे को ऐसा मारूंगा, सच में मत मारे यार, दो दिन में मार खा भी लिया हूँ, सॉरी आज के बाद मत लड़ना, अगर लड़ेगा भी ना सच वाला मत लड़ना, ठीक है, दुनिया में ना कोई काम नहीं है घबरो, ठीक है, सही है, दोस्त भले ही काम आ जाएगा, देख दोस्त भी नहीं आते एक टाइम पे, देख लिया ना भाई, भाई ने भाई पे हाथ उठाया एक लड़की की वजह से, ठीक है, इतना बुरा लग रहा है यार, दिल पे लगा वो चीज, बाकी छोड़ यार, लेकिन उन लोग का भी वो नहीं है, तू उन लोग के साइड मत बोल, अभी मिला है अभी झगड़ा हो जाएगा मेरा, दिमाग का दही मत कर, आज मेरा इतना मूड ऑफ हुआ है ना, और उसका बात मत कर यार, तू चुप यार, दोस्त है यार, ये सब बात मत कर यार, मेरे सामने मत कर, मेरे को हो गया ना, उन लोग भी दोस्त है, दोस्त है यार, ऐसा हाथ उठाएंगे दोस्त, क्या यार तू भी उल्टा, तेरा समझ आ रहा है मेरे को, लेकिन उसने लड़की के लिए मेरे पे हाथ उठाया भाई,
मैं बात करूंगा उसको। हाँ बात करेगा, मत मैं बात कर दूंगा यार। देख यार तू ना बहुत गलत की निखिल के साथ, जब ना नागेश देख नागेश पीट रहा था तब तू कहाँ थी उस समय? क्या तुम नहीं देखे मैं जब उनको बचा रही थी? अरे मतलब आपस में लड़ो मत ये बोल रही थी, तब आप नहीं थे। मैं कहा यार, मैं देखा होता ना तो भाई बोलता ना हॉस्पिटल में था, निखिल हॉस्पिटल में था जितना। अरे निखिल खुद बोला ना कि सुन 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 क्या समझा रहा है इसे, दिखा रहे हो ना ये चीज, इसे क्या समझा रहा है? गिरगिट जितना रंग नहीं बदलता उतना आप बदल रहे हो। नहीं रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। तू ना रिलेशन में थी और ने उसको बचा नहीं पाई ना, ये बोलना। रिलेशन में हम थे और अभी भी है, लेकिन निखिल नहीं 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 समझ रहे भाई। तू क्यों पिटने आया? तेरा क्या उसमें क्या किया था निखिल? तेरा फोन नहीं, निखिल क्या किया था? निखिल क्या किया था बता। नहीं मैंने कुछ बोला निखिल को बता, मैंने कुछ बोला था भाई। भाई तू भी था, याद रख तू भी था उस प्रैंक में, ठीक है? सुन मैं तू इतना दल बदलू है ना भाई, उस चीज को तू सीरियस लेके उसको पीटा क्यों? वो बात बता। नहीं वो नहीं, नहीं, नहीं दे सुन, ये दे सुन। हाँ, बोलना। जब मैं उसको पीट रहा था वो तेरे को दिख रहा था, जब वो मेरे को पीट रहा था तू उसको नहीं देखा ना? नहीं देख, उस समय भी निखिल को मैं समझाया था कि तू गलत है बोलकर। मैं गलत हूँ? नहीं मैं गलत था, उसको बोला था वो गलत है बोलकर। यार तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? और गलती निखिल का है। नहीं नहीं ये दल बदलू साला, इसको तो नहीं क्या करेगा, हाथ उठाएगा मारना। कैसे लड़ाई कर रहे हो? बोल तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो यार, जबकि तुमको पता है ना निखिल गलत है यहाँ पे, क्योंकि फ्रैंक हुआ था। नहीं देख, और पहली बात तुम ये भी जानते हो कि तुम भी वहाँ प्रैंक में थे। नहीं, और नहीं, मैं मानता हूँ प्रैंक को खुद भी किया था। अरे सुन मैं मानता हूँ हम लोग प्रैंक में थे, बट ना देख उसने रियल में छोटी सी बात को राही का पहाड़ बना रहे हो यार। छोटी सी बात लगता है? छोटी सी बात की प्रैंक छोटी सी बात ही होती है, जब बता देते ना लोग हंसने लगते हैं कि भाई मेरे साथ प्रैंक हो गया। तू पागल है, सुन उसको ने रियल में नागेश मारा है, हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में था। ज्यादा भी निखिल के साइड मत हो, पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे तू वार करता है, इधर का बात उधर ले जाता है, समझा? भाई देख मैं गुस्सा मत दिला, चला जा गुस्सा, निकल 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 निकल, गेट आउट। सो गाइस यार मैं निखिल का मतलब झगड़ा वगैरह जो भी है वो क्लोज कर दिया हूँ। और ये तरुण को क्या हो रहा है भाई, मेरे साथ लड़ाई करने को तुल रहा है भाई। उसे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ उसे। एक बार हो गया, दो बार हो गया कि वो दल बदलू, इतना दल बदल रहा है, इतना दल बदल रहा है साले को, क्या बताऊं आप सभी को। सो गाइस सबसे पहले प्रैंक में ना हम लोग तीन लोग किए थे, तरुण मैं खुशी है, ठीक है? फिर जैसे ही मैं निखिल को मारा ना तो उस साइड जा रहा है भाई, नागेश तू ऐसा गलत किया, उसको क्यों मारा, वो हॉस्पिटल में आ गया, ये है दुनिया भर का, तो उसमें मेरा क्या भाई, वो भी तो मेरे को मारा है, बता रहा हूँ भाई। इतना गुस्सा आ रहा है तरुण के ऊपर, साले को छोड़ूंगा नहीं। सो गाइस क्या ही बताएं आप सभी को, मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा है तरुण के ऊपर। सो गाइस वो ना पूरा चीज जानता है, पूरा चीज जानता है कि वो भी अपने साथ प्रैंक में जुड़ा था, फिर भी वो मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तुला है, बताओ ये भी कोई बात है भाई? अभी साले को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ।